हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवरात्रि पर बहुत ही स्पेशल मिल्क बनाई है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इम्यूनिटी से भरे हुए और रोग प्रतिरोग क्षमता का ये बहुत ही कारगर है। ये तो इन पे हम बनाएंगे, आप देखिए कैसे बनाना है, कैसे हमको बर्ती को देना है फ्रेंड्स। नो बर्फ नो ठंडा, बिल्कुल नहीं कोल्ड करके आपको देना है, बस गर्मा गर्म देना है, थोड़ी सी गर्म हो और उनको देना है ताकि उनका जो वायरस से लड़ने का शक्ति है बढ़ सके, वायरस भागे और शक्ति बढ़े, ताकत मिले। तो हम इसी तरह से नवरात्र पर बनाएंगे मिल्क, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें रसोई मीना के चैनल को, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। तो व्रत वाला मिल्क बनाने के लिए फ्रेंड्स हम 1.5 लीटर दूध लिए हैं, जो इनमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स रहेंगे और किस तरह से देना है हमको बर्ती को, ताकि उनका इम्यूनिटी जो है बढ़ा रहे और अच्छे से वो व्रत कर सके। तो हम सबसे पहले इनको बॉईल करेंगे, चलिए बॉईल करते हैं। हम गैस पर चढ़ा लिए पैन, अब हम ले लेते हैं दूध। दूध को हमको इतना गाढ़ा करना है कि ग्लास में अच्छे से ये लिपट जाए, मतलब कहने का मतलब है कि काफ़ी गाढ़ा करना है दूध को। और पहले से ही हम गोल्डन मिल्क डाले हुए हैं रसोई मीना के चैनल पर, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर गोल्डन मिल्क पीना है तो वायरस से बचने के लिए, किसी भी तरह से बीमारी के बचने के लिए आपको बहुत कारगर होंगे फ्रेंड्स, ये भी कारगर होंगे। तो चलिए हम कैसे बनाते हैं और हम कुछ दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हम लिए हैं मखाना, तो मखाना को आप चाहे तो हल्का सा गर्म कर ले, हम इनको पीस के रख लेते हैं इस मिक्सर जार में, ताकि हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लेना है। हम कोई कॉर्नफ्लोर और कोई अरारोट इनमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल ड्राई फ्रूट से बनाएंगे। तो चलिए दूध को गर्म होने दीजिए। यहाँ पर मखाना को हम अच्छे से दरदरी पीस लिए हैं, आप देख सकते हैं, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। तो हम इनको एक साइड एक बाउल में ले लेते हैं, देखिए बाउल में ले लिए हैं। अब हम कुछ और पीसेंगे जो हम आपको दिखाएंगे। तो इसी में हम ले लेते हैं बादाम, ये करीब 20 से 25 बादाम है। बादाम देना चाहिए बड़े को भी या बच्चे को। कुछ दूध हम इनमें ले लेते हैं मिक्सर जार में, ज़्यादा गर्म नहीं है, हमको पेस्ट बनाना है हल्का दरदरी। तो दूध को आपको इस तरह से चलाते रहना है, और जो बादाम हम पीसे हैं ना, तो बादाम तो कच्चे हैं, उनको हम 2-3 घंटे पहले हम भिगोने के लिए डाले थे, छिलका अच्छे से उतार लिए थे। तो हम इनको पीस लिए हैं दरदरा, बिल्कुल आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। हम ले लेते हैं दूध में, ताकि अच्छे से वो बादाम भी पक जाएंगे। तो दूध काफ़ी गाढ़ा हो गए हैं, बादाम ही जब पीस करके हम डाले ना, उसी से देख सकते हैं कितना बढ़िया दूध का कलर भी चेंज हुए हैं। कुछ मलाई है दूध का, इसी दूध का मलाई, मतलब अभी उबाले हैं निकाले, ताकि गाढ़ा हो और अच्छे से मलाई हम इनमें ले लेते हैं। अब हम लेंगे थोड़ा काजू, ताकि इनमें अच्छे से पक जाए, और थोड़ा पिस्ता, बादाम तो हम ले ही चुके हैं। और अब हम लेंगे धीरे धीरे मखाना, थोड़ा थोड़ा करके हम लेंगे, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है आपको और ना ही अरारोट लेना है। तो आपको इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहना है, और बहुत ही टेस्टी और ये व्रत के लिए बहुत फ़ायदेमंद दूध है फ्रेंड्स। तो हम इनको थोड़ा थोड़ा करके ले लेते हैं इसी तरह से, फिर थोड़ा सा हम लेंगे। इससे काफ़ी सारा आपको मिलेंगे ताकत, इम्यूनिटी भी बढ़ेंगे और ये जरा सा भी कमजोरी का फील नहीं होने देंगे फ्रेंड्स। इस तरह से आप भर व्रत, चाहे तो 10 दिन का व्रत होते हैं ना, 10 दिन तक आप इस तरह से बीच बीच में ले सकते हैं। ये तो सोते समय ले, और ये तो दोपहर में ले सकते हैं, खाली पेट मत लीजिएगा क्योंकि बहुत हैवी हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए चलाते रहे और लेते रहे। अभी हम मीठा हम क्या डालेंगे हम आपको बताए नहीं है, थोड़ा अलग तरीके से मीठा लेंगे हम, चीनी नहीं लेंगे। तो सारा हम मखाना का चूड़ा जो बनाए थे ना हम ले लिए हैं। अब हम ये बताशा, जो कि भगवान का भी चढ़ता है, माता रानी का चढ़ता है, तो ये बताशा हम ले रहे हैं, उनको चढ़ते हैं। बताशा लीजिए, डायरेक्ट चीनी मत इस्तेमाल कीजिए, या तो इनमें ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं आपकी पसंद। हम यहाँ बताशा यूज किए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये व्रत वाला मिल्क बनेंगे। तो इस तरह से हम चलाते रहते हैं, थोड़ा और दूध को हम गाढ़ा करेंगे। तो करीब इनको हम 20 से 25 मिनट अच्छे से पकाए हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम इलायची
पाउडर कूटा हुआ, ये हम काजू के साथ कूट लिए हैं फ्रेंड्स, चीनी के साथ नहीं कूटे हैं इनको हम, ताकि चीनी का मात्रा हमको नहीं लेना है। तो ये तो हो गए हैं तैयार, आप देख सकते हैं हर जगह से सिर्फ काजू बादाम पिस्ता ही नज़र आ रहे हैं। इस तरह का हम व्रत वाले दूध बनाएंगे और 9 दिन तक देंगे, बहुत अच्छे से व्रत कटेंगे। गैस कर देते हैं ऑफ और अब हम इनको सर्व करते हैं। कैसे सर्व करना है आइए बताते हैं। तो चलिए अब इनको हम सर्व करते हैं, थोड़ा सा साइड कर देते हैं हम इनको। और ये देखिए 2 गिलास, आप 2-4 गिलास सभी में ले सकते हैं और मिला मिला करके इस तरह से, आप चाहें तो ग्लास के नीचे थोड़ा सा पिस्ता थोड़ा सा काजू इस तरह से ले लें और मिल्क को आप इस तरह से ले लें। हम इस तरह से ले लेंगे। तो हम दोनों ग्लास में ले लिए हैं बराबर बराबर अच्छे से थोड़ा सा काजू। तो ये तैयार हो गए हैं, इनसे काफ़ी मात्रा में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और इनको आप दिन में एक बार जरूर ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो इनको ठंडा नहीं करना है आपको, सुसुम सुसुम जैसे इसको कहते हैं ना गुनगुना गुनगुना लेना है आपको, तभी तो हमारे शरीर का वायरस ख़त्म होंगे। उनको वायरस को भगाना है, किसी भी तरह के वायरस हो आप गुनगुना इस तरह से ले भरपूर ड्राई फ्रूट वाले मिल्क और इनको मतलब पिए, सेहत से भरपूर बहुत ही अच्छे हैं और इनको सेवन करें दिन में एक बार। और कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह से मिलते हैं एक नई नई वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे रसोई मीना के चैनल पर गोल्डन मिल्क देखना ना भूलें, ताकि उस तरह से भी आप बना करके अगर पियेंगे तो आपका इम्यूनिटी काफ़ी बढ़े रहेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी नवरात्रि।